हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं OMG नेटवर्क के बारे में, ओमिस्को कॉइन के बारे में। बेसिकली इस कॉइन के बारे में यहाँ पे बात करें तो एक महीने पहले इसकी प्राइस लगभग 18 से 19 डॉलर पे हुआ करती थी, और आज इसकी प्राइस जो है वो लगभग 6 डॉलर पे यहाँ पे आ चुकी है। तो इसमें अगर हम देखें तो कई सारे लोग यहाँ पे कंसर्न हैं, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पे 50-60-70% तक के लॉसेस पे यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ क्यों OMG की प्राइस हमें डाउन देखने को मिल रही है, कब तक ये अच्छी परफॉर्म यहाँ पे कर सकती है, और क्या हमें OMG को होल्ड करना चाहिए या नहीं। मेक श्योर वीडियो का पूरा देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम के लिंक है जहाँ पे मार्केट के अपडेट हो, किसी तरह के कॉल्स हो या फिर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन हो, वो सारा मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ, जिसके थ्रू आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो बेसिकली आप OMG नेटवर्क के बारे में यहाँ पे बात करें तो लगभग 144,399 लोगों ने यहाँ पे इसे वॉचलिस्ट करके रखा है, और यहाँ पे अगर इसकी हम मार्केट कैप अगर आप देखें तो 847 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप है, जो कि कभी 2 बिलियन या 3 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप यहाँ पे हुआ करती थी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा मार्केट कैप OMG से यहाँ से निकल चुका है। इसके बाद अगर हम इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई या फिर मैक्सिमम सप्लाई देखें तो 140 मिलियन का है, मतलब 100% इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, और इसकी जो सप्लाई है वो काफ़ी कम है। तो ऐसे में चांसेस बनता है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा हमें स्पाइक देखने को मिल सकता है। लेकिन आगे और भी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर जानना जरूरी है, जैसे कि OMG नेटवर्क के प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर बात करें तो बेसिकली ये एक लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन पे वर्क करती है, जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन पे यहाँ पे वर्क करती है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इसे खास करके डिजाइन की गई है जो कि इथेरियम जो हो या फिर इथेरियम बेस्ड जो टोकन है उसे ट्रांसफर करने के लिए, जो कि फास्टर एंड चीफर यहाँ पे हो सके। बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो इथेरियम के जो मेन इश्यूज है, जैसे कि उसकी ट्रांजेक्शन स्पीड हो, इसकी ट्रांजेक्शन फीस हो और इसके माइनिंग हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा इथेरियम के मेन इश्यूज है जो इस इशू को यहाँ पे OMG नेटवर्क सही करती है। OMG नेटवर्क पे आप इन चीज़ों को ये जो प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम से आप यहाँ पे निजात पा सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो OMG नेटवर्क की तरफ बहुत सारे ऐसे आज कॉइन हैं जो इस तरह के सर्विस प्रोवाइड करते हैं और वो अच्छा खासा मार्केट पर हाइप बना रहे हैं, लेकिन OMG नेटवर्क कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं कर रही है। तो पहला रीज़न अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी प्राइस पहली बार हमें डाउन तब देखने को मिली जब इसकी बोबा एयरड्रॉप का स्नैपशॉट यहाँ पे ख़त्म हुआ। जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ टाइम पहले बोबा एयरड्रॉप का स्नैपशॉट चल रहा था, और जैसे ये यहाँ पर ख़त्म हुई तो इसके प्राइस में हमें एक अचानक से एक डाउन देखने को मिला, अचानक से लगभग 20-25% तक का डाउन हमें देखने को मिला। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मार्केट भी हमें गिरते हुए देखने को मिली, जिस कारण से और ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिली। तीसरी अगर हम यहाँ पर रीजन की बात करें क्यों ये इसकी प्राइस लगातार डाउन जा रही है, तो अगर आप यहाँ पर देखें हो तो इसकी जो टीम है, अगर आप इसके ट्विटर अकाउंट यहाँ पे देखो OMG के, तो ट्विटर अकाउंट में काफ़ी कम इसके फॉलोवर्स हैं, और यहाँ पे अगर देखो तो इसने अभी ट्विटर यहाँ पर रिसेंटली ही ज्वाइन की है जुलाई 2021 पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं हुआ है। और लेकिन इसके टीम की तरफ से कुछ खास हमें अनाउंसमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं, और जो इसकी ज़्यादा फोकस हमें देखने को मिल रही है इसकी टीम की, वो है बोबा एयरड्रॉप पे, जो कुछ खास ज़्यादा यहाँ पर फोकस हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन पे इसकी टीम के कुछ खास वर्क नहीं होने के कारण से इसकी प्राइस हमें लगातार यहाँ पे डाउन देखने को मिल रही है। तो एक चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे कि इसके प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे हैं, आने वाले टाइम पर इसकी हाइप देखी आपको देखने को मिल सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छी है, आने वाले टाइम पर हाइप बना सकती है, बट अभी थोड़ा सा अभी हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मेन जो रीज़न है मार्केट में डाउन आने की वो है अभी मार्केट का प्राइस, बिटकॉइन का प्राइस। बिटकॉइन लगातार कई टाइम से हमें यहाँ पर डाउन देखने को मिल रहा है, उसकी जो परफॉर्मेंस है बिटकॉइन की वो कुछ खास हमें अच्छे देखने को नहीं मिल रही है, जिस कारण से अभी मार्केट में जो अदर्स कॉइन है उसमें भी यही इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अगर आपने नोटिस किया हो तो कॉर्डेनो पे या फिर XRP में, तो वो भी कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं कर रही है। तो जो पुराने ओल्ड कॉइन है जिसमें अभी कुछ खास हमें अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला है, कॉर्डेनो फिर भी कुछ अच्छी अनाउंसमेंट कुछ अच्छे प्रॉफिट हमें दे चुकी है, बट XRP में अगर हम देखें तो कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के जो कॉइन होते हैं उसमें हाइप का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि उसके टीम की तरफ से कुछ ऐसे अनाउंसमेंट हो जो उसमें एक हाइप क्रिएट कर सके, जो कि इसके टीम की तरफ से हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो आई होप कि बहुत जल्द आपको इसमें कुछ ऐसे अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगे जहां पर इसके प्राइस अच्छा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब टेक्निकली अगर हम बात करें तो OMG की प्राइस आप यहां पे देख सकते हो,
तो OMG सेम यहाँ पर बिटकॉइन के टेक्निकल चार्ट को, बिटकॉइन के चार्ट को यहाँ पे फॉलो कर रही है और यहाँ से थोड़ा सा अप मोमेंट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन OMG के रेसिस्टेंस के बारे में बात करें तो लगभग 6.37 पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से चांसेस बनेगा कि फिर से यहाँ पे OMG इस तरह से टच करने के बाद हमें डाउन देखने को मिले। तो डिपेंड ऑन BTC की, BTC के नेक्स्ट मोमेंट यहाँ पर क्या होती है। अगर बिटकॉइन यहाँ से डाउन जाता है तो OMG में भी और थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है और लगभग आप यहाँ पे $4.8 पे देखने को मिल सकता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और आप चाहो तो एक न्यू एंट्री यहाँ पे आप ले सकते हो। बट अगर आप OMG पे एंट्री लेते हो तो आप लगभग मिड टर्म को सोचकर ही लेना या फिर स्टॉप लॉस को यूज करके लेना, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी डाउन में है। तो ऐसे में चांसेस बनेगा कि अगर यहाँ पे इस सपोर्ट पे यहाँ पे टच करती है तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। जैसे आपने एक हाई प्राइस में बाय किया हो और वो अभी तक रिकवर नहीं हुई हो, तो कहीं ना कहीं मार्केट की जो क्रेज है वो बहुत सारे कॉइन पे इफेक्ट डाली है। तो सेम OMG में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल आप इसे होल्ड करो $10-12 पे। आई थिंक कि लगभग जनवरी से फरवरी तक में $10-12 तक में आपको इजीली देखने को मिल सकती है। उस टाइम चाहो तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हो, और अगर आपने $15-16 पे भी बाय करके रखा है तो आप होल्ड करो। अब मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि बिटकॉइन की सिचुएशन यहाँ पर क्या है। बिटकॉइन जैसे ही थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा तो OMG में भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकती है। तो एक्चुअली दोस्तों थोड़ा सा फीवर हो रखा है तो ऐसे में मेरी आवाज़ थोड़ी सी दबी आ रही होगी, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करना। और बाकी का जो भी OMG होल्डर है, लगभग $10 के नीचे अगर आपने बाई कर रखा है तो आप बिल्कुल इसे होल्ड करो। आपको बहुत जल्दी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकता है जनवरी के महीने में। और अगर $10 के ऊपर भी आपने बाई करके रखा है तो लगभग आपकी रिकवरी करने में थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेंगे ड्यू टू BTC। लेकिन BTC का प्राइस जैसे ही लगभग इस बार $60,000 तक में अगर हमें देखने को मिलता है तो फिर इजीली हमें OMG में भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो उम्मीद दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।